न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी और खबर देवरिया से। देवरिया नरसंहार के मामले में एक बड़ा अपडेट है। मृतक प्रेमचंद्र यादव के घर पर कुर्की का नोटिस जारी किया गया है। वन विभाग की जमीन पर बना है मकान। 15 दिन के अंदर इस नोटिस का जवाब मांगा गया है। जमीन के विवाद में ही 6 लोगों की हत्या हुई थी। दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ था। प्रेमचंद यादव पक्ष के लोगों पर दूसरे पक्ष के 5 लोगों की हत्या का आरोप है। तो अब इस मामले में अपडेट ये है कि वन विभाग की जमीन पर यह मकान बना है। इसकी बकायदा पैमाइश भी हुई थी वारदात के अगले ही दिन और अब कुर्की का नोटिस लगाया गया है। 15 दिन का वक्त परिवार को दिया गया है ताकि सवालों का जवाब परिवार दाखिल कर सके। 6 लोगों की हत्या हुई है जमीन के विवाद में, जिसमें पहली हत्या यादव परिवार से ही हुई। प्रेमचंद यादव की हत्या हुई थी और उसके बाद प्रेमचंद यादव के समर्थकों ने दूसरे पक्ष के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उमा शंकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। उमा शंकर, इस नोटिस का क्या मतलब है? देखिए, सबसे बड़ी बात अपने दर्शकों को बता दीजिए, अभी कुछ मिनट पहले जो है मृतक प्रेमचंद यादव के घर पर नोटिस चस्पा की गई है और इस नोटिस का जवाब कल ही यानी 7/10/2023 को 10 बजे रुद्रपुर तहसील क्षेत्र में जो तहसीलदार का न्यायालय कार्यालय वहां पे जवाब देना होगा। ये नोटिस जो है मृतक प्रेमचंद यादव के घर पे लगाई गई है, जो उनका मुख्य गेट है, एंट्री करने का गेट है, वहां पे लगाई गई है। और ये जो नोटिस जो जारी हुई है वो राम भवन यादव के नाम पे जारी हुई है, जो मृतक प्रेमचंद यादव के पिता हैं। ये भी बताया जाता है कि जो इनका जो आलिशान मकान है वो वन विभाग और खलियान की भूमि पे बना हुआ है। अपने दर्शकों को बताते चले कि वारदात के दूसरे दिन यानी 3 अक्टूबर को जो है जिला प्रशासन ने जितने भी इसमें अभियुक्त बनाए गए थे उसमें जो है उनके घर की पैमाइश की थी और मृतक प्रेमचंद यादव के घर की पैमाइश 3 तारीख की देर शाम तक खत्म हो गई थी, जिसमें अब ये रिजल्ट सामने आ चुका है कि जो खलियान और वन विभाग की जमीन पर जो मृतक प्रेमचंद यादव ने अवैध कब्जा किया है। उमा शंकर, यानी कि यहाँ पर पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। खलियान और वन विभाग की जमीन पर मकान तुरंत बुलडोजर न चलाकर यहां पर पहले नोटिस जारी किया गया है, सवाल किए गए हैं ताकि जवाब दाखिल हो, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। धन्यवाद उमा शंकर इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर सीतापुर में बच्ची से